हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सक्षमता पास शिक्षकों के लिए आई खुशखबरी की। तो जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री का नया ऐलान हो चुका है, जिसमें उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि सक्षमता पास शिक्षकों का ऐच्छिक पोस्टिंग करने की वो कोशिश करेंगे और उनके इच्छा के अनुसार विद्यालय चुनने का जो है यहाँ पे उनको मौका मिल सकता है। ये आने वाले समय में यहाँ पे स्पष्ट किया जाएगा। वैसे इनके द्वारा अगर बात करिएगा, जो बातें कही गई हैं उसका जो है वक्तव्य का कुछ अंश जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं चलता हूँ आप लोग को अगले स्लाइड पर लेकर के, जहाँ पर आप लोग को पेपर में आए हुए खबर को बताता हूं, जिसमें इनके द्वारा कहे गए बातों की चर्चा हुई है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को उनकी पसंद की जगह देने की करेंगे कोशिश शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण से जुड़े प्रस्ताव पर मानवीय संवेदना रखते हुए विचार पुनर्विचार कर समाधान दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अधिक से अधिक शिक्षकों को उनकी पसंद की जगह मिले। विधान परिषद में भाजपा के नवल किशोर यादव के एक सवाल के संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिव्यांग महिला और शिक्षक पति पत्नी को स्थानांतरण या पदस्थापन के दौरान उनकी सुविधा अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दूसरी सक्षमता परीक्षा कराने की दिशा में बातचीत चल रही है। अगस्त के पहले हफ्ते तक इस बारे में जरूर निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जानलेवा लू में अगर कुछ शिक्षकों की मौत हुई तो इस मामले में जांच करा करके उचित मदद करने की कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इसी में एक और खबर है कि सभी शिक्षकों को साल में दो बार ट्रेनिंग मिलेगी। विधान परिषद की दूसरी पाली में शुक्रवार को बिहार अविनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 का अनुपूरक का प्रस्ताव पारित हो गया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया था। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद विवाद और सरकार द्वारा उत्तर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने राज्य के 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति और साल में दो बार शिक्षकों के ट्रेनिंग दिलाने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले अनुपूरक के लिए 47,512 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था। इसमें से समग्र शिक्षा पर करीब 8,500 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर 1,000 करोड़, सड़क और पुल के लिए 2,000 करोड़, हर खेत तक कृषि फीडर के लिए बिजली पर 1,500 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च है। इसकी अनुमति दी जाए, सम्राट चौधरी ने कहा कि 2022-23 में बजट राशि का करीब 98% और 2023-24 में बजट राशि का करीब 96% खर्च किया गया था। अभी हमने जो बात पहले भी बताई कि जो नियमावली 2023 बनी है और उसमें हमने एक जो कमेटी बनाई है, जो माननीय सदस्य की चिंता है कि उसमें महिलाओं को, दिव्यांगों को या हस्बैंड वाइफ की टीम हो और उनको नजदीक से नजदीक पोस्टिंग दी जाए, सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन ये सदस्य का कहना कि सरकार की चिंता नहीं है शिक्षा के बारे में, तो आप जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी संभाली है, आप उस वक्त का और आज का फिगर देख लें कि जो स्कूल में कितने बच्चे जाते थे, गरीब के या सभी वर्ग के, आज जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो मेट्रिकुलेशन का रिजल्ट होता है जिसमें, या इंटर का रिजल्ट होता है, उसमें 50% से ज्यादा बच्चियां रहती हैं, बालिकाएं रहती हैं, और जो ड्रॉप आउट का जो रेट है उसमें भी बहुत कमी आई है। तो अनुश्रवण निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं, और सिर्फ टेक्नोलॉजी के ख्याल से नहीं। और जो आपने क्वालिटी की बात कही माननीय सदस्य ने, तो एक दक्षता क्लास हम इसीलिए ले रहे हैं कि इसका अनुश्रवण हो सके कि जो क्लास में जो बच्चे हैं जो और बच्चों के बराबरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए दक्षता कक्षाएं उनके लिए जा रही हैं कि सभी बच्चे, क्योंकि वो बाहर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे क्लास में अच्छा नहीं कर रहे हैं और बच्चों से पीछे हैं, तो दक्षता जो क्लासेस ले रहे हैं इसलिए कि वो भी अपने क्लास के बराबर आ सके। तो कुल मिलाकर शिक्षा में निश्चित रूप से बहुत गुणात्मक सुधार आए हैं। छात्रों की भी संख्या बढ़ रही है, महिलाओं के भी
संख्या बढ़ी है, जो पोशाक योजना, साइकिल योजना, सभी तरह से फायदे हुए हैं, और जो मैट्रिक के बाद जो स्कॉलरशिप, जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ये सब शिक्षा में काफी सहायक हुई है, स्कूली शिक्षा में भी काफी सुधार हुआ है। लेकिन माननीय सदस्य के जो वाजिब बातें हैं कि हम उनका ख्याल रखें अपने शिक्षकों का, तो मैं आपको अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जो शिक्षकों के प्रति या यूनिवर्सिटीज के प्रति जो एक टग ऑफ वॉर था, जो रस्सा कसी थी, उसमें तो निश्चित रूप से कमी आई है। आप इसको मानेंगे कि जो जिस तरह का टेम्परेचर था उसमें तो कमी निश्चित आई है। तो हमारे इरादे भी बिल्कुल नेक है, लेकिन हम लोग डिसिप्लिन के साथ निश्चित रूप से जहां तक हो सकेगा उनके जो भी सुविधाएं हैं, जहां तक हो सकेगा डिसिप्लिन को रखते हुए, और ये भी देखना होगा कि किस स्कूल में कितना वैकेंसी है, ये सभी को ख्याल में रखते हुए हम लोग पोस्टिंग्स करेंगे, और यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर कर सके। हमें माननीय सदस्य से हम अनुरोध करेंगे कि अपना संकल्प वापस लें। अनुमति दिया जाएगा, बस एक मिनट का समय। महोदय, जिन शिक्षकों के बारे में ये सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई, या वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, वैसे सारे शिक्षकों के सेवा काल का टाइम लाइन फिक्स किया जाए। मंत्री महोदय जैसा कह रहे हैं, एक उच्च स्तरीय समिति बनी है, हम लोग भी देख रहे हैं। चूंकि माननीय सदस्य कह रहे थे दो संकल्प आया था स्थानांतरण और पदस्थापन के बारे में, तो उसमें एक फिक्स कर दे, जिनकी सेवा 10 वर्ष हो गई है, 15 वर्ष हो गई है, ऐच्छिक और स्वैच्छिक अगर हो जाएगा तो सारी बीमारी मिट जाएगी। दूसरी बात, शिक्षक सहज रहेंगे तब वो अध्यापन कार्य करेंगे, सहजता अगर उनको नहीं रहेगी तो वो अध्यापन कार्य नहीं कर सकेंगे महोदय। तीसरी बात, जो मंत्री महोदय ने कहा, जो शिक्षक और शिक्षिका पति पत्नी, मैं उसमें एक सुझाव देना चाहता हूं, लेकिन सुझाव भी मंत्री महोदय आपको दिया है, अगर किसी भी सरकारी सेवा में पति या पत्नी कोई में से एक शिक्षक हो, दूसरे किसी सरकारी सेवा में हो, जो आपके कार्मिक विभाग की नियमावली भी कहती है, उसको भी उसमें इंगित करें, तो ये जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो संभव नहीं होगा। और दूसरी बात, जो परीक्षा के बारे में माननीय सदस्य कहे, मुझे लगता है इसके पहले छमासी परीक्षा का प्रावधान। महोदय, महीने महीने परीक्षा कौन देता है, ये हंसी हास्य का विषय। भले देख ले मंत्री महोदय धरातल पर अपने ही क्षेत्र में 10 विद्यालय को देख ले, वो छमाही परीक्षा होनी चाहिए। सर पढ़ाई होगी ना, परीक्षा इसीलिए पहले हम लोग देते थे छमाही बरमाही, टेस्ट होता था, टर्मिनल होता था, लेकिन ये प्रत्येक महीना परीक्षा। और महोदय इसको समाप्त कीजिए। महोदय एक मिनट बस, महोदय परीक्षा का प्रश्न आउट हो जाता है, इसमें कौन सी परीक्षा है बताया, परीक्षा का प्रश्न आउट पहले ही हो जाता है, 5 दिन 10 दिन पहले ही बोर्ड से चला जाता है। महोदय ऐसी परीक्षा नहीं दी जाए, ऐसी परीक्षा नहीं। महोदय बस इन्हीं सुझावों के साथ, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने कमिटी बनाई है या देख रहे हैं शिक्षा विभाग को, तो निश्चित रूप से संवेदन सारे विषयों पर विचार करेंगे। मंत्री जी आप इन्होंने आग्रह किया है, आप इसको वापस लीजिए। महोदय माननीय मंत्री ने आग्रह किया है तो हम लोग भी माननीय मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह ही कर रहे हैं कि शिक्षक आपके दुश्मन नहीं, मूल स्रोत शिक्षक है, शिक्षा का मूल स्रोत शिक्षक है, तो आप उसको हर हाल में ऐच्छिक स्थानांतरण, स्वैच्छिक स्थानांतरण, और एक हमारा लाइन है कि 2020 की कंडिका 14 का अनुपालन करें। आप सारे चीजों को देख के, आपने कहा कि पहले से हमने राज्य सरकार को संतुलित किया है, अब उस तरह का एक स्कैंडल नहीं हो रहा, निश्चित रूप से हो रहा है, मैं हम लोग भी स्वीकार करते हैं, ठीक है, इसको आगे, लेकिन महोदय आगे नहीं बढ़ा रहे, आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि अगर बेहतर शिक्षा देना है, शिक्षा को चलाना है, तो स्थानांतरण हर हाल में ऐच्छिक और स्वैच्छिक करें, महिलाओं को हेडक्वार्टर और कम्युनिकेशन के जगह पर करें, दिव्यांगों का करें। अगर ऐसा नहीं हुआ महोदय, तो शिक्षा को आप हंटर भांगते रहेंगे, आप ऐप पर बनवाते रहेंगे,
आपके यहाँ से लोग जाएंगे, वहां से 1,000 रुपया 5,500 रुपया लेके वहां काम फिट हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकार जो चाहती है बिहार की शिक्षा को उन्नत बनाना, वो बनाने का यह सबसे बड़ा जरिया है कि आप शिक्षक को प्रसन्न रखें। महोदय, यही माननीय मंत्री से हम जानना चाहते। तो वापस ले रहे हैं ना? तो वापस तो लेबे करेंगे, कहां जाएंगे? चलिए, लेकिन माननीय मंत्री से स्पष्ट तो कराइए महोदय। देखिए, एक 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 माननीय मंत्री जी, एक मेरा आग्रह है, यहाँ पर इस सदन में ना बैठे ना हम कर रहे हैं। ये सदन जो है, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रश्न यहाँ पर आता है, तो कभी भी एक अपने सुविधा अनुसार माननीय सदस्यों के साथ बैठ करके और किस समाधान की दिशा में कुछ राय बात लीजिएगा। सभी लोग बहुत ही ये लोग अनुभवी हैं, और अनुभवी है तो इनके अनुभव का लाभ डिपार्टमेंट को भी मिले, और ये लोग जो सोचते हैं अपने लोगों को भी जाकर कहेंगे कि आपके लिए समाधान के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। विस्तार करती है कि वह जहानाबाद में यार्ड बनाकर जहानाबाद से